तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्री फायर गेम के अंदर ग्रोजा ज़्यादा पावरफुल गन है या फिर AK-47 गन ज़्यादा पावरफुल है, तो आपका जवाब मतलब इस तरह से रहेगा। बहुत सारा बंदा बोलिएगा AK-47 बहुत पावरफुल गन है, और बहुत सारा बंदा बोलिएगा कि ग्रोजा गन ज़्यादा पावरफुल गन है। मतलब कि हमको जवाब एक्यूरेट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि AK और ग्रोजा दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल गन है। तो कोई भी नहीं कह सकता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो ग्रोजा और AK-47 के बीच बहुत मतलब डिटेल्स कंपेरिजन करने वाला हूँ, कौन सा गन ज़्यादा डैमेज दे सकता है और कौन किसका ज़्यादा रेट ऑफ फायर है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको पता चल जाएगा कि ग्रोजा ज़्यादा पावरफुल है या AK-47 गन ज़्यादा मतलब पावरफुल है। और वीडियो देखने के बाद आराम से आप बोल सकते हैं कि ग्रोजा ज़्यादा पावरफुल है या फिर AK-47 गन ज़्यादा पावरफुल है, ये तो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। और ये सब जो मैं बताऊंगा आपको, ये पूरा प्रैक्टिकली होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं होने वाला है, मैं कोई चीटिंग भी नहीं करने वाला हूं, और एकदम आपको मैं रियल फैक्ट बताने वाला हूं कि ग्रोजा और AK-47 गन में कौन सा ज़्यादा पावरफुल है और आपको कौन सा यूज करना चाहिए, विथ स्किन या फिर विदाउट स्किन। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ग्रोजा वर्सेस AK-47 गन में कौन सा गन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों ही गन का डैमेज टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मैं नॉर्मल AK का यूज कर रहा हूँ और मैं नॉर्मल ग्रोजा का यूज कर रहा हूँ विदाउट स्किन। तो विदाउट स्किन इन दोनों का डैमेज देखते हैं। तो नॉर्मली बॉडी पे जो है AK-38 यानी 38 का डैमेज दे सकता है, देख लिए, और ग्रोजा का आप देख लेते हैं। देखिए, ग्रोजा 37 का डैमेज दे सकता है नॉर्मली बॉडी पे। तो यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, ये मत सोचिएगा AK ज़्यादा डैमेज देता है, ये सिर्फ देखने की बात है। देखिए ट्विस्ट क्या है, अगर इनिमी के पास वेस्ट होगा, यहाँ देखिए एक लेवल का वेस्ट इनिमी को दे दिया मैंने, अब देखिए यहाँ ग्रोजा से ये AK से मारने के बाद 25 का डैमेज दे रहा है, ठीक ना, एक लेवल के वेस्ट पे AK-47 25 का डैमेज देता है, लेकिन ग्रोजा जो है ना इससे ज़्यादा डैमेज देता है, देखिए 27 डैमेज दे रहा है, तो दो ज़्यादा डैमेज दे रहा है एक लेवल के वेस्ट। और यहाँ पर ये तो देख लिया, दो डैमेज दिया एक लेवल वेस्ट के ऊपर, अब चलिए दो लेवल का वेस्ट अगर इनिमी के पास रहे तो देखिए AK दे रहा है 19 का डैमेज, ठीक ना, और उसके बाद जब हम लोग ग्रोजा से मारिएगा तो यहाँ 22 का डैमेज दे रहे हैं, यानी कि 2 लेवल के वेस्ट के ऊपर जो है ना 3 ज़्यादा डैमेज दे सकता है। मतलब इनिमी के पास जितना ही ज़्यादा लेवल का वेस्ट रहेगा उतना ही मतलब ग्रोजा जीतते जाएगा, ग्रोजा ज़्यादा डैमेज देते जाएगा। मतलब ज़्यादा लेवल का इनिमी के पास वेस्ट है तो AK का डैमेज तो घट जाता है, लेकिन ग्रोजा का डैमेज उतना ज़्यादा नहीं घटता है जितना AK का घट जाता है। आप देख सकते हैं एग्जांपल, 4 लेवल का वेस्ट के ऊपर भी देख लिए, और सेम टू सेम इसी तरह का हेड के साथ भी होता है। 4 लेवल का हेलमेट पे देखिए AK-81 का और ग्रोजा 104 का डैमेज देता है। मतलब कि अगर इनिमी के पास वेस्ट और हेलमेट है तो ग्रोजा जीत जाएगा। नॉर्मली इनिमी के पास वेस्ट हेलमेट तो आजकल रहता ही है, कम से कम एक लेवल का रहता ही है। तो मतलब यहाँ डैमेज देने में तो मैं कहता हूँ ग्रोजा ही विनर है। तो डैमेज देने में तो ग्रोजा विनर हो गया। तो अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रेट ऑफ फायर किसका ज़्यादा है ये जानते हैं। तो रेट ऑफ फायर जानने के लिए मैं यहाँ थोड़ा यूनिक तरीका का यूज कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड देखिए AK-47 गन स्किन है, इसमें 40 गोली लगा हुआ है, और राइट साइड में जो है ग्रोजा गन है तो इसमें भी 40 गोली लगा हुआ है। तो हम अब देखेंगे कि इस 40 गोली को फायर करने में ग्रोजा को ज्यादा टाइम लग रहा है कि AK-47 को ज्यादा टाइम लग रहा है। इससे हमको दोनों का रेट ऑफ फायर का कंपैरिजन तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं किसका रेट ऑफ फायर तो सबसे पहले आप लोग लेफ्ट साइड जो AK-47 गन यहां फोकस दीजिए। जैसे मैं फायर करना चालू किया वैसे ही टाइमर चालू हुआ, कोई भी लेट सेट नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही 0 मतलब कि 7.41 सेकंड में 40 गोली AK-47 फायर किया। अब राइट साइड ग्रोजा पे फोकस कीजिए, जल्दी से आप फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर टाइमर चालू हुआ, गन से गोली फायर करना चालू हुआ, और ग्रोजा में भी 40 MO लगा हुआ था। देख लीजिए यहाँ पर एग्जैक्ट मतलब 6.75 सेकंड में ग्रोजा ने 40 गोली फायर कर दिया, और यहाँ पर आपको सीधा डिफरेंस दिख सकता है कि ग्रोजा ने जो है AK से बहुत जल्दी 40 गोली फायर कर दिया, यानी कि ग्रोजा का रेट ऑफ फायर AK से ज़्यादा है। मतलब कि ग्रोजा जो है AK-47 से ज़्यादा डैमेज भी दे सकता है, हमने पहले देखा टेस्ट में। उसके बाद ग्रोजा का रेट ऑफ फायर भी AK से ज़्यादा है, डैमेज भी ज़्यादा देगा, रेट ऑफ फायर भी ज़्यादा देगा। मतलब कि सीधा क्लियर विनर है ग्रोजा, मतलब ग्रोजा जो है ज़्यादा पावरफुल गन है, क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर और इसका डैमेज जो है AK-47 से ज़्यादा है। लेकिन विथ स्किन, मतलब स्किन के साथ क्या होगा,
मतलब ग्रोजा स्किन के साथ ज्यादा मतलब पावरफुल है कि AK-47 गन स्किन के साथ ज्यादा पावरफुल है। तो आइए हम लोग दोनों का बेस्ट स्किन जो अब तक फ्री फायर में अवेलेबल है उसके साथ ये प्रैक्टिकल कर। तो अगर गन स्किन के बात कर रहे हैं फ्री फायर में, तो AK का जो ये ब्लू फ्लेम ड्रेको है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल गन स्किन है AK में। ये मेरे पास 4 लेवल का है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल गन स्किन है, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रोजा की बात करें तो ये जो विंटरलैंड है ना, अब तक फ्री फायर में जितने भी ग्रोजा के स्किन आए हैं ना, उसमें ये विंटरलैंड सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। तो हम इस दोनों के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं, ये जो ब्लू फ्लेम ड्रेको और ये जो ग्रोजा का विंटरलैंड स्किन है, इन दोनों के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। तो पिछली बार की तरह फिर से हम लोग डैमेज टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो डमी पे टेस्ट कर लेते हैं डैमेज। यहाँ देखिए 40 का डैमेज दे रहा है बॉडी में, और ग्रोजा कितना का डैमेज दे रहा है इसमें, मतलब कि ये 37 का ही डैमेज दे रहा है, क्योंकि इसमें डैमेज तो प्लस मिलता ही नहीं है, इसमें सिर्फ रेट ऑफ फायर प्लस मिलता है, ठीक ना। लेकिन एक लेवल के वेस्ट के ऊपर देखिए फिर से जाकर के, यहाँ देखिए यहाँ पर एक के 26 का डैमेज दे रहा है 26 का, और लेकिन ग्रोजा 27 का डैमेज देता है। फिर से वही स्टोरी है कि वेस्ट के ऊपर जो है ग्रोजा ज़्यादा डैमेज दे सकता है। अब 2 लेवल के वेस्ट के साथ भी यही प्रॉपर्टी है, मतलब ज़्यादा डैमेज देता है। अब फिर से देख सकते हैं 3 लेवल का वेस्ट अगर रहे इनिमी के पास, तो मतलब 3 लेवल का वेस्ट पे देखिए जहाँ एक के जो ये ब्लू फ्लेम ड्रेको है 13 का डैमेज दे रहा है, वहीं देखिए ग्रोजा 17 का डैमेज दे रहा है, 4 डैमेज का अंतर। मतलब कि अगर इनिमी के पास वेस्ट रहे तो ग्रोजा विंटरलैंड का जो ये सबसे अच्छा स्किन है ये ज़्यादा डैमेज देगा, मतलब समझ गए डैमेज में अभी भी ग्रोजा विनर है विथ स्किन। तो हम लोग पिछली बार की तरह ही रेट ऑफ फायर पता करेंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए AK-47 जो गन है इसमें 40 गोली लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैं गोली फायर करना चालू किया और टाइमर चालू कर दिया, ठीक ना, दोनों एक साथ चालू किया। तो देखिए यहाँ पर 5.88 सेकेंड में ये जो ब्लू फ्लेम ड्रेको है ना 40 गोली फायर कर देता है। तो अब हम लोग इधर कॉर्नर में कर लिए, अब ग्रोजा में भी 40 गोली लगा, इसको देखिए कितना टाइम लगता है। अब फिर वही बात, ग्रोजा से फायर करना चालू किया और टाइमर चालू किया, तो ग्रोजा को 40 गोली फायर करने में इस बार ज़्यादा सेकेंड लगा, थोड़ा ही ज़्यादा सेकेंड लगा, लेकिन ज़्यादा सेकेंड लग गया, देख लीजिए 6.09 सेकेंड, मतलब थोड़ा ज़्यादा, मतलब ब्लू फ्लेम ड्रेको का रेट ऑफ फायर जो है ना ग्रोजा विंटरलैंड से थोड़ा ज़्यादा है। तो मतलब ग्रोजा का डैमेज ज़्यादा है, लेकिन ब्लू फ्लेम ड्रेको जो रेट ऑफ फायर है ना उसका रेट ऑफ फायर ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ थोड़ा टाई अप सा हो जाता है, क्योंकि एक का डैमेज ज़्यादा है एक का रेट ऑफ फायर है, यानी विथ स्किन जो है ना टाई अप रहता है, ग्रोजा और एक एकदम कांटे का टक्कर देता है। लेकिन विदाउट स्किन जिसके पास अच्छा स्किन नहीं है, तो वहाँ पर ग्रोजा सीधा सीधा विनर बन के निकलता है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि अगर विदाउट स्किन तो ग्रोजा विनर है, यहाँ तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन विथ स्किन, स्किन के साथ ना टक्कर हो जाता है AK-47 और ग्रोजा के बीच, क्योंकि AK-47 का अच्छा अच्छा स्किन फ्री फायर में अवेलेबल है, लेकिन ग्रोजा को जो है बहुत अच्छा अच्छा स्किन फ्री फायर में अवेलेबल नहीं है। लेकिन 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 अगर हम लोग एक्यूरेसी फैक्टर को थोड़ा ध्यान में रखें, तो आप जानते हैं कि ग्रोजा कितना एक्यूरेट गन है, एकदम मजा से चलता है, मक्खन चलता है, लेकिन वही AK को थोड़ा चलाना डिफिकल्ट होता है। अगर एक्यूरेसी फैक्टर को शामिल करें तो ग्रोजा सीधा अप ऊपर चले जाता है और विनर बन के निकलता है। तो आपको पता चल गया ना, ग्रोजा है AK और ग्रोजा के बीच शोडाउन का विनर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से जरूर कर दे लाइक, और चैनल को जरूर से जरूर कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आगे आपको देखने के लिए मिलता रहेगा।